पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, प्रदूषण और महंगाई को देखते हुए बीसीआई मोटर्स ने अपनी पहली स्कूटर ई भारत लॉन्च की। लॉन्चिंग के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मंत्री जयकुमार रावल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बीसीआई मोटर्स कंपनी के डायरेक्टर पंकज सिंह ठाकुर ने लॉन्च की गई ई स्कूटर की विशेषताओं के बारे में बताया। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विदर्भ में बीसीआई मोटर एक पहली ऐसी कंपनी है जो जेन्युइनली 100% मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ नागपुर में कर रही है और इसको एआरआई पुणे की तरफ से अप्रूव्ड है। और ये जो सिस्टम में बैठी है ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, इसमें लाइसेंस और आरटीओ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे बताते हुए इसमें और एक खुशी होती है कि इसमें हम लोग ने बैटरी, जैसे बैटरी मेन कंसर्न है या आग लगती है या जो इसके मेन फीचर के कारण इसको थोड़ा निगेटिविटी लोगों में आ गई थी, तो हम लोग ने इसमें जैसे ओवरहीट की इसमें किटकैट लगाया, सर्किट जो हीट होने पे ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। सेकेंडली इसका हम लोग ने दो इसमें माइलेज में किया है, लीड और लिथियम में। जैसे लीड में ये मिनिमम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कैरी कर सकती है और लिथियम में 90 किलोमीटर का। और आपको और एक चीज़ बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसमें एंटी थीफ या और भी ऐसे फीचर्स दिए हैं जो वक्त पे आप यहाँ से, आप अगर बॉम्बे में भी बैठे हैं तो आप आपके मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपको लगता है गाड़ी थीफ हुई है तो उसको आप बटन दबा के स्टॉप जामर कर सकते हैं, जिससे और आप उसकी जियो फेंसिंग से उसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसमें चार्जिंग की भी सुविधा है।